Good morning, students. Today we start with this theorem. The set in G of all inner automorphisms of a group G is a normal subgroup of a group ओड G of its automorphism. कि जो ये सब inner automorphisms का जो एक group बन रहा है वो क्या बनेगा? Normal subgroup बनेगा किसका? ओड G का. Means automorphisms का जो group है उसका inner automorphisms का group automorphisms के group का normal subgroup बनेगा. ये अब इसमें हमें प्रूव करना है. इफ ई इज आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम. इफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी देन टी ई बिलोंग्स टू इन जी एंड सो इन जी इज नॉन एम्प्टी. सबसे पहले हमें जो नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है हमें वो क्या दिखाना पड़ेगा कि नॉन एम्प्टी है. मीन्स कुछ ना कुछ उसमें है. नॉन एम्प्टी दिखाने के लिए हमने क्या दिखा दिया कि जो टी ई है वो इन जी का एलिमेंट है. कैसे है? क्योंकि टी ई को अगर हम एक्स पे अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा? ई इनवर्स एक्स ई बनेगा और ई इनवर्स एक्स ई जो है वो किसके इक्वल होगा? एक्स के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये मीन्स क्या बन गया एक तरीके से आप क्या कह सकते हो? आइडेंटिटी मैप बन गया ना ये. तो आइडेंटिटी मैप तो इन जी एलिमेंट है ही, मीन्स वो तो आपका इनर ऑटोमोर्फिज्म होता ही है. ठीक है, अब ये इसका मतलब नॉन एम्प्टी है तो कुछ ना कुछ इसमें है. तो इसके दो एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए. क्या? टी ए टी बी. अब ये दो एलिमेंट्स जब कंसीडर कर सकते हो जब ए और बी जी के एलिमेंट हो. इसलिए यहां हमने पहले मेंशन कर दिया लेट ए बी बिलोंग्स टू जी एंड टी ए टी बी बिलोंग्स टू इन जी. देन टी ए फ्रॉम जी टू जी इज एन ऑटोमोर्फिज्म सच दैट है ना, सच दैट टी ए को अगर हम एक्स पे लगाएं तो क्या आएगा? ए इनवर्स एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. ऐसे टी बी जो इन जी से बिलोंग कर रहा है तो टी बी क्या है? जी से जी तक एक ऑटोमोर्फिज्म है. सच दैट टी बी एक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी. नाउ वी शैल प्रूव. अब हम दो चीजें प्रूव करेंगे. क्या? कि टी ए इंटू टी बी टी बी ए के इक्वल आ जाए और टी ए इनवर्स किसके इक्वल हो? टी ए होल इनवर्स के. ये जब हम दो रिजल्ट प्रूव कर लेंगे उसके बाद हम अपने रिजल्ट पे आएंगे तब. ठीक है, चलो नाउ वी हैव टी ए टी बी को दिखाना है ना. तो इसको किस तरह से एलिमेंट पे लगाओगे? एक्स पे लगा दिया तो टी ए तो एज इट इज. टी बी को एक्स पे लगाओगे तो क्या आ जाएगा? बी इनवर्स एक्स बी आ जाएगा. अब टी ए को इस एलिमेंट पूरे एलिमेंट पे लगाओ तो ए इनवर्स ये पूरा एलिमेंट और ए. अब ए इनवर्स बी इनवर्स को लिख सकते हो बी ए का होल इनवर्स एक्स इंटू बी ए और ये क्या बन गया? टी बी ए अप्लाइंग ऑन एक्स हो गया. इसका मतलब टी ए टी बी इज इक्वल टू टी बी ए आपका हो गया. इसका मतलब दिस बिलोंग्स टू इनर ऑटोमोर्फिजम्स ऑफ जी के सेट से आपका ये बिलोंग कर गया. ऑल्सो फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी वी हैव टी ए इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू टी ए. मीन्स टी ए इनवर्स को अप्लाई करो एक्स पे तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स का इनवर्स एक्स ए इनवर्स मीन्स ए एक्स ए इनवर्स. अब टी ए को इस पे अप्लाई करो तो ए इनवर्स इस पूरे एलिमेंट पे ए एक्स ए इनवर्स वो एलिमेंट और साथ में ए. अब कंबाइन करो ए इनवर्स से आइडेंटिटी ऐसे पीछे ए इनवर्स से आइडेंटिटी तो क्या बन जाएगा आपका ये एक्स. और एक्स का मतलब क्या बन गया? आइडेंटिटी मैप आई ऑफ एक्स. तो इसका मतलब क्या बन गया? टी ए इनवर्स इज इक्वल टू आई. सिमिलरली वी कैन प्रूव टी ए इनवर्स टी ए बी आपका क्या बन जाएगा? आई. बात समझ में आ गई? तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? टी ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ टी ऑफ ए का इनवर्स है. दिस इंप्लाइज टी ए का इनवर्स किसका बन गया? एलिमेंट किसका आ गया? इन जी का. क्योंकि टी ए इनवर्स तो उसका था ही तो यहां से टी ए होल इनवर्स भी उसका एलिमेंट बन गया. ठीक है, नेक्स्ट. नाउ वी प्रूव. अब हम प्रूव करते हैं जो हमें प्रूव करना था कि इन जी जो है वो सब ग्रुप है जी का, क्योंकि ऊपर वाले रिजल्ट्स यूज होंगे अब हमें, इसलिए हमने ये पहले प्रूव कर दिए. चलो, सब ग्रुप है इसका, अब हमें ये दिखाना है. तो सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना होता है कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करो तो ये एलिमेंट ले लिए टी ए टी बी, तो हमें क्या दिखाना? टी ए टी बी इनवर्स भी इसका एलिमेंट हो जाना चाहिए. वही हम कंसिडर करके चले, अप्लाई कर दिया एक्स पे. तो इसको आप लिख सकते हो टी ए टी बी अप्लाई टी बी इनवर्स अप्लाइंग ऑन एक्स. तो मीन्स टी ए टी बी इनवर्स को पहले एक्स पे अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? बी एक्स बी इनवर्स आ जाएगा. अब टी ऑफ ए को इस पूरे पे अप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ये एलिमेंट और ए. कंबाइन करो ए इनवर्स बी बन गया, एक्स बी इनवर्स ए बन गया. अब ए इनवर्स बी को लिख सकते हो बी इनवर्स ए का होल इनवर्स डेफिनेशन बनाने के लिए. तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई? टी ऑफ बी इनवर्स से अप्लाइंग ऑन एक्स. तो इसका मतलब टी ए टी बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है? टी ए टी बी इनवर्स, क्योंकि टी बी का होल इनवर्स ये हमने अभी प्रूव किया था ना ऊपर, यही तो प्रूव किया था कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए का होल इनवर्स. तो ये रिजल्ट अब हमने यहाँ यूज कर लिया, टी बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू टी बी इनवर्स है ना. और इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं? टी बी इनवर्स ए दिस बिलोंग्स टू इन टी ए टी बी इनवर्स इज इक्वल टू टी बी इनवर्स ए. हो गया ना, ये था ना आपके पास टी ए टी बी का इनवर्स
दिस इज इक्वल टू टी बी इनवर्स से, लेकिन यहाँ ऊपर वाले रिजल्ट से हमने टी बी के होल इनवर्स को किससे रिप्लेस कर दिया, टी बी इनवर्स से रिप्लेस कर दिया, ये किसके इक्वल है, टी बी इनवर्स ए, ठीक है। और ये एलिमेंट किसका है, इन जी का, क्यों, क्योंकि जो नीचे वाला एलिमेंट है बी इनवर्स है, ये किसका एलिमेंट है, हमारा जी का एलिमेंट है, ये जी का एलिमेंट होना चाहिए ना, तभी तो आप इन जी डिफाइन, सॉरी इन जी का इनर ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब टी ए टी बी का होल इनवर्स भी किसका एलिमेंट बन गया, इन जी का एलिमेंट बन गया, तो इन जी क्या बन गया, आपका सब ग्रुप बन गया और जी का। अब हमें क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए जिसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, एक उसका एलिमेंट मीन्स एक और जी का एलिमेंट लेना है और एक आपने इन जी का एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा उसका एलिमेंट बीच में, और जो ये ओट जी का एलिमेंट है उसका एलिमेंट एक बार इनवर्स के साथ और एक बार जैसे एक्स एच एक्स इनवर्स लिखते हो, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, टी टी ए टी इनवर्स है ना, टी ओट जी का, टी ए आपने इन जी का, तो लिख दिया टी टी ए टी इनवर्स, ये आ गया प्लाइंग ऑन एक्स। ये एलिमेंट जो है आपका किसका बनना चाहिए, इन जी का बनना चाहिए। नाउ दिस इज इक्वल टू टी टी ए, टी इनवर्स को लगाओ एक्स पे, ठीक है। अब टी इनवर्स को एक्स पे लगाया तो क्या लगाया, टी तो क्योंकि अगर ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता तब तो मुझको डेफिनेशन लगाते ही, तो एज इट इज लिखा रहेगा, तो इसका मतलब टी ए को इस पे लगाओ, टी ए तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ना, तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, ये एलिमेंट एज इट इज ए। तो अब टी को इस पे लगाना है आपने, टी क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म, ये आप सेपरेट कर सकते हो, तो टी ऑफ ए इनवर्स, टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, टी ऑफ ए टी टी इनवर्स को बन गया आइडेंटिटी, आई को एक्स पे लगाओगे तो एक्स आ गया, तो टी ए का इनवर्स एक्स टी ए। अब टी ए इनवर्स को लिख सकते हो टी ए का होल इनवर्स एक्स टी ए, और टी ए को अगर हम सी से डिनोट कर दें तो ये बन गया सी इनवर्स एक्स सी बन गया, ठीक है। और ये किसका एलिमेंट बन गया, आपका जी का एलिमेंट, जी का एलिमेंट, क्योंकि सी जो है वो सी एलिमेंट तो जी का था ना, क्योंकि सी क्या था आपका टी ऑफ ए, और टी आपका ऑटोमॉर्फिज्म था जी से जी तक, तो टी ऑफ ए भी किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब सी इनवर्स एक्स सी को क्या लिख सकते हो, आप टी सी एक्स लिख सकते हो, है ना, और ये टी सी एक्स क्या, दिस इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, मींस इन जी से बिलोंग कर रहा है, ये इन जी से बिलोंग कर रहा है, तो लेफ्ट साइड वाला भी इन जी से बिलोंग कर रहा है, तो इन जी क्या बन गया, आपका नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।